सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ माइनक्राफ्ट के टॉप अपडेट स्टेटस, जो कि आपके लो एंड डिवाइस में बिना किसी लैग के वर्क करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हमारे फर्स्ट शेडर का नाम है सूफी क्राफ्ट शेडर। तो इस शेडर में लाव और वाटर की क्वालिटी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, जो कि तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी। और बात करें इसके टेक्सचर पैक, ये तुम लोग काफी रियलिस्टिक फील कराएगा। और गाइस, ये शेडर तुम लोग नाइट में भी बहुत अच्छे लुक प्रोवाइड करेगा। अगर तुम लोग शेडर डाउनलोड करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब बढ़ते हमारे दूसरे शेडर की तरफ। सो गाइस, हमारे सेकंड शेडर का नाम है सर्प शेडर। तो इस शेडर में लाव की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इस शेडर का वाटर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। और बात करें इसे टेक्सचर पैक, तुम लोग काफी रियलिस्टिक फील कराने वाले। और इस शेडर का इसका भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। अगर तुम लोग शेडर डाउनलोड करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे शेडर की तरफ। सो गाइस, हमारे तीसरे शेडर का नाम है कॉन्टिनम शेडर। तो इस शेडर में लाव वाटर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। और इस शेडर का जो टेक्सचर पैक है वो भी तुम लोगों को बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करने वाले है। और गाइस, इस शेडर का सनराइज है ना, वो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे तुम लोग देख ही सकते हो। और बात करें इसके नाइट व्यू की, ये भी तुम लोग काफी अच्छे लुक प्रोवाइड करने वाले। अगर तुम लोग को ये वाला शेडर डाउनलोड करना है तो इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट शेडर की तरफ। तो गाइस, हमारे लास्ट शेडर का नाम है सीएसपी शेडर। तो इस शेडर में लाव की क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव की है, लेकिन गाइस, इस शेडर का वाटर है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, जैसे तुम लोग देख ही सकते हो। और बात करें इसे टेक्सचर पैक की, ये भी तुम लोगों को बहुत ही रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करने वाला है। एंड गाइस, तुम लोग इसे ग्रास को तो देख ही सकते हो, इसके ग्रास जो वेव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा मस्त लगा। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड गाइस, यहाँ पर तुम लोग इसके सन को देख सकते हो, यहाँ पर इसके सन क्या ही मस्त लग रहे हैं, देख पा रहे हो, मतलब एकदम बेस्ट लग रहा है। और गाइस, इसका जो स्काई है ना वो भी तुम लोगों को बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करने वाला है। गाइस, बात करें इसके सनराइज की, तो सनराइज है ना हमारे लास्ट वाले शेडर से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। अगर तुम लोग ये वाला शेडर डाउनलोड करना है तो इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, तुम लोग इन सभी शेडर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बताना तुम लोगों को शेडर्स अपने गेम में कैसे यूज करना। जैसे सिंपली तुम लोगों को जो भी शेडर्स को यूज करना है, उस शेडर्स की लिंक पर जाकर तुम लोग उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद तुम लोगों को प्ले स्टोर का एप्लीकेशन खोलना होगा, यहाँ पर फाइल मैनेजर सर्च करना है और ये वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। देन इसके इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है और यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद तुम लोग अपने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पर तुम लोग अपने शेडर्स की फाइल को ढूंढना है। देन तुम लोग अपने शेडर्स की फाइल को होल्ड करके रखना है, वहाँ पर तुम लोग रीनेम का ऑप्शन आएगा। देन तुम लोग रीनेम का ऑप्शन क्लिक करना है, वहाँ पर डॉट जिप को इरेज करके वहाँ पर डॉट एमसी पैक क्लिक कर उसको रीनेम कर देना है। फिर अगेन तुम लोगों को अपनी शेडर्स वाली फाइल को होल्ड करके रखना है, वहाँ पर तुम लोग ओपन विद का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, वहाँ पर माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करके ओपन कर देना। ना तुम लोग देख ही सकते हो हमारे शेडर्स की फाइल अपने माइनक्राफ्ट में एक्सपोर्ट होने लगी है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा तुम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।